तो होमोजीनियस इक्वेशन से पहले ये पढ़ लेते हैं कि होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है? होमोजीनियस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन समझ लो पहले क्या होता है। कुछ आइडिया है होमोजीनियस एक्सप्रेशन के बारे में? नहीं। देखो ये जनरली इसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे होंगे, एक्स और वाई। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि सपोज एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई का मतलब क्या हो गया कि यहाँ एक्स और वाई के टर्म्स में कुछ एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, ठीक है? होमोजीनियस हम कब बोलेंगे? अगर मैं वहां पे वाई इक्वल टू कुछ टी इंटू एक्स सब्स्टिट्यूट कर दू, अगर मैं ऐसा सब्स्टिट्यूट करूं कि वाई इक्वल टू टी एक्स सब्स्टिट्यूट कर दू, तो एक्स का जो भी पावर है सब बाहर निकल जाएगा, अंदर सिर्फ टी के टर्म्स बचेंगे। मैं बोलूंगा ऑल द टर्म्स ऑफ All the terms of x will be common। तो जो भी एक्सपोनेंट होगा पूरा कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सिर्फ t के टर्म्स आ रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूं कि x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिग्री, ये भी समझ लो डिग्री थ्रू आउट द एक्सप्रेशन इज सेम। हर एक टर्म में जैसे यहां थ्री डिग्री दिख रहा है तो यहां भी थ्री डिग्री दिख रहा है, क्योंकि x का वन डिग्री y का टू डिग्री, तो ओवरऑल क्या बन गया, थ्री डिग्री। तो अगर तुम यहां पे y इक्वल टू टी एक्स सब्सटीट्यूट भी करोगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स क्यूब बन गया यहां पे। अगर मैं y इक्वल टू टी स्क्वायर टी एक्स सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो ध्यान से देखना क्या होगा, एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहेगा प्लस एक्स इंटू वाई की जगह पर क्या आएगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो तुम ध्यान से देखो पूरा एक्स क्यूब कॉमन निकल जाएगा तो क्या आएगा, वन प्लस टी स्क्वायर, ऐसा समझा? तो देखो एक्स के जितने भी पार्ट से वो सब कॉमन निकल गए, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ब्रैकेट में टी का टर्म बचा। ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस एक्सप्रेशन, ठीक है? अब हम आते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये क्लियरली दिखाई पड़ रही है ये वाला। मतलब पहले तो एक्सप्रेशन हमने देख लिए, अब उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी कैसी, वो होगी डी वाई ओवर डी एक्स। हाँ ऐसा, dy ओवर dx इक्वल टू होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y। तो यहां पे ऐसा हो सकता है कि इधर xy का फंक्शन हो और इधर भी एक xy का फंक्शन हो। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या है, स्टेप वन, तुम क्या करो y को tx सब्स्टिट्यूट कर दो। सबसे पहले जब y को tx सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या आएगा, 1 प्लस x dt ओवर dx आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में जहां पे भी y दिख रहा होगा वहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये, और जहां पे भी dy और dx दिख रहा होगा मतलब इधर पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऐसा। और फिर क्या करेंगे स्टेप टू में, वही पुराना वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे और सॉल्व कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हमारे पास लिखा हुआ है कि dy ओवर dx इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई, सपोज ऐसा लिखा हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत बड़े भी हो जाते हैं इसके याद रखना, ऐसा लिखा हुआ है सपोज। तो हम क्या करेंगे, हम यहां दिख रहा है ऊपर वन डिग्री का है नीचे भी वन डिग्री का है थ्रू आउट द एक्सप्रेशन, तो हम क्या बोलेंगे
कि y को सब्स्टिट्यूट कर दो tx, तो क्या आएगा dy ओवर dx इक्वल टू t प्लस x dt ओवर dx, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर वन में, तो तुम्हें क्या मिलेगा t प्लस x dt ओवर dx इक्वल टू x प्लस y, y क्या है tx अपॉन x प्लस 2y यानी 2tx, तो x dt ओवर dx विल बी, यहां से देखो x कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बच रहा होगा 1 प्लस t अपॉन 1 प्लस 2t, और इधर वाला t जो था ये वाला t यहां पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x dt ओवर dx इक्वल टू 1 प्लस t माइनस, एलसीएम ले लिया मैंने, माइनस t माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2t, तो ये t कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, t के टर्म्स एक साइड में रख दो, x के टर्म्स एक साइड में रख लो, तो t के टर्म्स हमें क्या दिखाई पड़ रहा है 1 प्लस 2t अपॉन 1 माइनस 2t स्क्वायर, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2t अपॉन 1 माइनस 2t स्क्वायर, ये मिल गया हमें t का टर्म, और x का टर्म क्या मिल गया dx अपॉन x, ये dx अपॉन x आ जाएगा। अब दोनों साइड पे इंटीग्रेट करो, ये कौन सा केस दिख रहा है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला केस, और यहां पे तो सीधा सीधा ln x प्लस c आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे तो होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें होमोजेनियस एक्सप्रेशन दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, होमोजीनियस एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन dy ओवर dx इक्वल टू पूरे फंक्शन में तुम्हें सब जगह पर y अपॉन x, y अपॉन x, y अपॉन x ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा, y अपॉन x का फंक्शन दिख रहा होगा, तो उस केस में भी हमें सेम मेथड यूज करना है। सेम मेथड मतलब हमें क्या करना है, जो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए हमने यूज किया था y इक्वल टू tx, वही सब्स्टिट्यूट करना है और उसी से सॉल्व करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है हमारे पास x इंटू कॉस ऑफ y बाय एक्स, x इंटू कॉस ऑफ y बाय एक्स इंटू dy ओवर dx इक्वल टू क्या लिखा है y इक्वल टू y इंटू कॉस ऑफ प्लस एक्स। अब देखो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, अगर मैं x से डिवाइड कर दूं, ध्यान से देख रहा हूं, अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो ये क्या दिख रहा होगा cos ऑफ y बाय एक्स इंटू dy ओवर dx इक्वल टू y बाई एक्स इंटू कॉस ऑफ y बाई एक्स प्लस x अपॉन x इज वन। अब देखो पूरा y बाई एक्स का फंक्शन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y इक्वल टू टी एक्स, तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा t प्लस x dt ओवर dx, ये आएगा, और यहां से क्लियरली दिख रहा है वाई को टी एक्स रखोगे तो ये टर्म क्या बन जाएगा कॉस टी, डीवाई ओवर डीएक्स की जगह पर हमें क्या रखना है टी प्लस एक्स डी टी ओवर डीएक्स, ठीक है, इधर ये वाई बाई एक्स था, ये वाई बाई एक्स क्या हो जाएगा टी, यहां पे कॉस टी प्लस वन, इस कॉस टी को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो अगर कॉस टी को डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या आएगा टी प्लस एक्स डी टी ओवर डी एक्स इक्वल टू टी कॉस टी प्लस वन अपॉन कॉस टी, ये आ गया, फिर इस टी को इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अगर हम उस टी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या दिखेगा एक्स डी टी ओवर डी एक्स इक्वल टू टी कॉस टी प्लस वन अपॉन कॉस टी माइनस टी, ये आ जाएगा। अब जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये आ रहा होगा x dt ओवर dx इक्वल टू यहां पे एलसीएम ले लो t cos t प्लस वन माइनस t cos t अपॉन cos t, ये t cos t कैंसिल, ठीक है, ऊपर क्या हो जाए वन। अब तुम्हें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल करना है, cos t को दूसरे साइड पे लेके जाओ तो cos t इंटू dt, और यहां पे आएगा dx अपॉन x, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड पे, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा sin t,
यहां पे क्या जाएगा log x प्लस सी। समझ में आ रहा है? तो जब भी ऐसे y बाई x टाइप के फंक्शन बन रहे होंगे तब भी हम सेम ही कंडीशन यूज करेंगे जो होमोजेनाइजेशन में हम करते हैं।